गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे लेट्स कंटिन्यू द प्रीवियस चैप्टर द थीव्स स्टोरी. इट इज़ द चैप्टर ऑफ योर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक्स. नाउ लुक एट द स्क्रीन. इन द प्रीवियस वीडियो यू हैव लर्न फ्रॉम टिल द थर्ड पैराग्राफ. ही कुडंट हेल्प लाफिंग. Now, read from here. Later he patted. Later he patted me on the head and said, "Never mind." जब चोर को खाना बनाना नहीं आया तो उस हरी ने उसको भगा दिया था, घर से बाहर निकाल दिया था. लेकिन हरी इज़ अ काइंड पर्सन. सो एंड वेन द थेफ्ट गिव हिम एन अपीलिंग लॉफिंग एंड अपीलिंग स्माइल द हरी कॉल्ड बैक हिम एंड पैटेड मी. चोर बता रहा है लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड. उसने मेरे हेड को सहलाया. पैटेड मतलब लाइट पैट करना, थपथपाना. एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं. ही हैड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड He would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. He also taught me to write my name. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और मुझसे कहा कि वह उसको कुछ लिखना और मैथमेटिक्स भी पढ़ाएगा, सिखाएगा. I was grateful. मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल था, ग्रेटफुल था. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन. मैं जानता था कि एक न एक दिन मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह पढ़ सकूँगा. देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव. अब इस समय एजुकेटेड मैन, देयर कुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव. मैं जो कुछ भी प्राप्त कर सका उसकी कोई लिमिट नहीं थी. मीन्स मैं बहुत ही खुश था. जो मैं सीखा, जो पढ़ रहा था, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल था हरी के लिए. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लग रहा था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग. मैंने सुबह चाय बनाई. एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज. और उसके बाद मैं दिन की सप्लाइज, यानी दिन में जो छोटे मोटे सामान, राशन लगते थे, राशन की दुकान से जो सामान लाने होते थे, जो गुड्स लगते थे कुकिंग के लिए, सामान लगते थे, वो सब मैं खरीदने में अपना टाइम व्यतीत करता था. यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 1 रुपी अ डे. और उस समय शॉपिंग के दौरान मैं रोज़ 1 रुपये उसमें से एक्स्ट्रा बचा लिया करता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे. वह जानता था कि मैं इस तरह से पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ. बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स इरेगुलरली. अनिल की इनकम जो थी वो रेगुलर नहीं थी, वह इरेगुलर थी. कोई उसकी परमानेंट इनकम नहीं थी. ही अर्न लिटिल मनी बाई राइटिंग आर्टिकल्स एंड स्टोरीज फॉर मैगजीन्स. वह मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स वगैरह लिख कर ही इनकम कमाता था. ही वुड बारो 1 वीक. एक सप्ताह के लिए वह पैसे उधार लेता था, लेंड द नेक्स्ट, और अगले वीक में वही पैसे उधार में देता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. वह हमेशा अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था. बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. लेकिन जैसे ही वह चेक उसे मिल जाता था, वह उसको लेकर खूब सेलिब्रेशन करता था, घूमता टहलता था. इट सीम्स टू रोट फॉर मैगजीन्स. ऐसा लगता है कि वह मैगजीन के लिए लिखता था. अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग. यह एक जीविकोपार्जन का, अर्न ऑफ लिविंग का एक विचित्र तरीका था. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. एक दिन शाम को वह नोटों का छोटा बंडल लेकर घर पर आया. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. और उसने यह कहा कि अभी अभी उसने पब्लिशर को एक बुक बेची है. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. मैट्रेस मीन्स गद्दा, बेड के ऊपर जो गद्दा बिछाते हैं. आई सॉ, मैंने उसको, टक मीन्स रखते हुए, टक मीन्स इस तरह से रखना, ठूसना, दबाना, दबा के रखना. मैंने गद्दे के नीचे उसको रखते हुए उस पैसे को उसी रात देखा. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग
हैड नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. लाइन ऑफ वर्क मतलब इन द फील्ड ऑफ हिज वर्क, मतलब चोरी के कार्य में. केवल शॉपिंग से जो चीटिंग करके मैं 1 रुपया बचा लेता था, उसके अलावा मैंने अपने फील्ड के लिए कोई काम नहीं किया, यानी चोरी करने जैसा कोई काम नहीं किया. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. मेरे पास यद्यपि ऐसा करने की यानी चोरी करने की पूरी अपॉर्चुनिटी थी. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. अनिल ने दरवाजे की चाबी मुझे दी थी. आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. मैं जब चाहे आ सकता था, जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट. और वह इतना विश्वसनीय व्यक्ति था कि इससे पहले मैंने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था, किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला था जो इतना विश्वास करता हो. सो आई हैव सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डूइंग द एक्ट ऑफ थिफ्ट एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और इसीलिए उसको लूटना बहुत ही कठिन था. इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. लालची व्यक्ति के घर में चोरी करना, लालची मैन को लूटना आसान होता है. बिकॉज ही कैन ऑफर टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह चोरी करने के लिए हमको प्रेरित करता है. वह बहुत चालाक होता है, इसलिए हम चोरी करने के लिए उसकी तरफ जाते हैं, आकर्षित होते हैं. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. लेकिन एक लापरवाह आदमी के घर में चोरी करना बहुत ही कठिन होता है. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड. कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसके यहाँ चोरी हुई है. एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. और इससे जो चोरी के कार्य में मज़ा आता है वो सब किरकिरा हो जाता है, यानी वो उसमें कोई आनंद नहीं आता. जब तक व्यक्ति को पता भी ना चले कि उसके घर में चोरी हुई है, तो चोरी करने का कोई मज़ा नहीं है, ये कहने का मतलब है चोर का. वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. अब ऐसा समय है कि मैं अपना रियल वर्क कर सकता हूँ. हियर रियल वर्क मीन्स द एक्ट ऑफ थेफ्ट, चोरी का कार्य. उसका चोर का रियल वर्क तो चोरी ही होगा. तो मेरे लिए समय था कि मैं अपना चोरी का कार्य कर सकता हूँ. आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. कई दिनों से मैंने चोरी की प्रैक्टिस नहीं की है, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. और वो अपने आप को समझाता है कि यदि मैं उसकी मनी नहीं लूँगा, उसकी मनी नहीं चुराऊँगा, तो यह केवल अपने दोस्तों पर अपने सारे पैसे बर्बाद कर देगा. आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी. और इसके बावजूद वह मुझे कोई पैसे भी नहीं देता, मुझे मेरे काम के लिए कुछ पे नहीं करता है. स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग लर्न करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा. थैंक यू चिल्ड्रेन, गुड बाय.